ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਫਰਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਜੋਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਸਟਾਈਨ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਗਾ ਹਸੀ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਹਿਸ ਚੈਨਲ ਐਸ ਵੈਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੈਟਰਲੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੇ ਆਰ ਸੁਪਰ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ चैनल चेक करो बट फर्स्ट देख दें एंड रियक्शन कर देंगे बार बार की धमकियां और वार्निंग देने के बावजूद भी इस फिल्म को आखिरकार रिलीज कर दिया गया है और दुनिया ने इसराइल और यहूदी कौम का वो फिर चेहरा आखिरकार देख लिया जिसे अब तक मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में अपने कंट्रोल से ये आज तक दुनिया से छुपाते आ रहे थे इसराइल में आबाद आज के यहूदी दरअसल यहूदी नहीं है एक कोई नहीं देने बल्के देने कबीले का नाम था लिहाजा अच्छा। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से यहूदियत को अख्तियार नहीं कर सकता मगर आज से कई सौ साल पहले नोकि आजान और आर्मी के इलाकों में आबाद थे यहूदियत को एक मजहब के तौर पर इख्तियार किया और आज खुद का ताल्लुक बनी इसराइल या इसी कौम के दूसरे नाम यहूदी कौम के नाम से जाना जाते हैं जबकि असल यहूदी सफेद फॉर्म नहीं बल्कि गंदमी रंगत के थे ये कॉम हमेशा से ही साफी दिमाग और विक्ट कार्ड खेलने की याद है और आप जानते हैं कि जर्मनी में भी खुद पर म दिखाकर इन्होंने बाल फोर डेक्लेन के जरिए हाँ। नाजायज इसराइली रियासत का वजूद तो हासिल कर लिया इनके घरों और जायदादों पर कब्जा करके और इनको दहशत गर्द और खुद को अमन पसंद और मजलूम दिखाकर लेकिन आज तक दुनिया को ये नहीं बताया कि इस कब्जे के दौरान कितने बेगुना फलस्तीनियों को शहीद किया गया इनके घर जलाए गए हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर जब भी कोई इसराइली सहाफी किसी अरब शख्स से इंटरव्यू लेना चाहता तो हाँ। सबने मिलकर इनकी खूब बेजती की लेकिन कोई एक भी अरबी शख्स इन इसराइली सहाफियों को इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हुआ बल्कि ये सब दुनिया के सामने कहने लगे कि इसराइल जैसी कोई रियासत तो दुनिया के सामने मौजूद ही नहीं है बल्कि ये मुल्क तो फलस्ती है जिस पर तुम लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर है और यहाँ पर भी इसराइल ने खुद को विक्टम कार्ड के तौर पर पेश करके दुनिया की हमदर्दी समेटने की कोशिश की कि देखो हम तो मुसलमानों से अमन और दोस्ती चाहते हैं मगर ये मुसलमान खास तौर पर अरब इसका जवाब इंतहाई नफरत से दे रहे हैं बिल्कुल वही मुनाफ्त जो कि इसराइल फलस्तीन के लोगों बच्चों और औरतों पर जुलम करके खुद विक्टम बनकर दुनिया से हमदर्दियाँ समेट रहा है मगर इस एक फिल्म ने ये सारी की सारी मुनाफ्त और प्रोपेगेंडा खोलकर दुनिया के सामने रख दिया जिसका नाम है फरा दिखनी बड़ी है इस फिल्म को उर्दन की एक अरब फिल्म डायरेक्टर ने तैयार किया है जिसकी कहानी के अंदर ये दिखाया गया है कि जब 1948 के अंदर इसराइल के क्याम का ऐलान किया गया तो उन फ़लस्तीनियों को जिन्होंने ये रैम खाकर इसराइलियों को पनाह दी कि ये बेचारे अपने औरतों बच्चों के साथ समंदर कहां में और कहाँ दुनिया में दर बदर भटकते फिरेंगे इन लोगों पर रैम खाकर इंसानियत के नाते इनको पना दी थी लेकिन जिस चीज की फितरत ही यह मारना है वो है। वो वो तो सांप है अपने ऊपर एहसान करने वाले की भी जड़े काटता हो हो इसके खिलाफ साजिश करता आखिर कब तक इससे खुद को बाज रख सकता है और बिल्कुल यही किया फलस्तियों के साथ यहूदियों ने इस फिल्म के अंदर फरा नाम की एक चौदह साल लड़की को दिखाया गया है जिसे इसके वाले सख्ती से मना करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना क्योंकि इस वक्त इन यहूदियों ने धड़ाधड़ फलस्तीनियों को बेघर करना शुरू कर दिया था लाखों लोगों को शहीद और लाखों फलस्तीनियों को बेघर करके आबादकारी का यह सिलसिला जारी था जो कि आज के टाइम के अंदर 90 परसेंट से भी ज्यादा हो चुका है इस लड़की के गांव पर इसराइली फौजी हमला करके लोगों और बच्चों को कत्ल कर रही हैं फिल्म की कहानी इस बात के गिर्द घूमती है कि कितने जुलम और बरबरीत से इन यहूदियों ने फलस्तियों को इनके घरों से निकाला और इनके घरों पर कब्जे के लिए इन बच्चों को सालों तक एक ही घर के अंदर अपने ही मुल्क में कैदियों की तरह जिंदगी गुजारना पड़ी ताकि अपनी जान माल और अपनी इज्जत को बचा सकें एक लम्हे के लिए अपने खानदान के बारे में यह तस्वुर करके देखें कि आपके घर के बाहर काबिज़ फ़ौजी बंदूकें उठाए खड़े हों आपको अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं और इन्हीं को दुनिया की सपोर्ट भी हासिल है यकीनन ये काफ़ी दर्दनाक तस्वर होगा और इस फिल्म के अंदर आप इन इमोशंस को अच्छी तरह से फील कर सकते हैं आप जरा तस्वुर करें कि प्लेटफॉर्म आज सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है खास तौर पर नेटफ्लिक्स को अब जब वो लोग ये देखेंगे कि आज तक तो हमें सिर्फ यही बताया गया कि इसराइल का क्या हुआ था लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि कितनी बेगुना जानों को लेकर और कितने लाखों लोगों को बेघर करके असल कहानी तो यह थी तो जरा सोचें कि इसराइल का इमेज पूरी दुनिया की नजरों में और खास तौर पर नौजवान नस्लों के जेन के अंदर कितना बुरा होकर जाएगा जो कि सच है इन बेचारों के उन अरबों डॉलर का क्या फायदा जो कि इन्होंने लगातार मीडिया पर इन्वेस्ट किए कई दहाइयों तक अपने इस मजलूम इमेज को दुनिया के सामने रखने के लिए कितने जतन किए लेकिन वो सब का सब सिर्फ इस एक फिल्म से खत्म हो सकता है वो इसराइल जो कि पहले ही कतर के अंदर मीडिया के हाथों जलील हो रहा है और गैर मुस्लिम कतर के अंदर मुसलमानों के कल्चर से इस कदर हो रहे हैं और ऊपर से इस फिल्म की टाइमिंग इतना परफेक्ट है की इसराइल की लगी आग पर जलती पर तेल का काम कर रही है सही है, सही है। मगर अफसोस के जिन अरबों को इकट्ठा होकर अपने इन फलस्ती भाइयों को बचाना था आज चौहत्तर साल के बाद वो इनसे मिलकर बिजनेस डील और दोस्तियां बढ़ा रहे हैं ये उन शहीद फलस्ती बच्चों और नौजवानों की लाशों का सौदा है ये अरब हुक्मरान तो अपने बिजनेस और फायदे के लिए ऐसा सोच सकते हैं मगर इनकी आवाम कभी भी दिल से इसराइल के वजूद को ना तो आज तस्लीम करती है और ना ही इनशाला मुस्तबिल के अंदर करेगी ये पूरी दुनिया को कतर ने दिखा दिया है मगर पाकिस्तान वाहद एक ऐसा मुल्क है जो कि जो चाहे मर्जी हो जाए कभी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करेगा क्योंकि ये मुल्क इसराइल के वजूद में आने से सिर्फ एक साल पहले वजूद में आया ये इस्लामी दुनिया का वाहि मुल्क है जो कि अटोमिक पावर रखता है और इस अटोमिक पावर को आज इसराइल के जरिए जरिए और कर और वर्ल्ड बैंक के कर्जों में दबा कर इन अटोमिक हथियारों पर कब्जा करना चाहता है इसलिए आपको ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान पर इस वक्त करप्ट हुकूमत क्यों है पाकिस्तान को हर गुजरते वक्त के साथ कर्जों के अंदर क्यों जकड़ा जा रहा है क्योंकि यही वो मुल्क है जहाँ से काले झंडो वाली जमात खुरासान से निकलेगी वो खुरासान जिसके अंदर आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान का इलाका शामिल है यही काले झंडे वाली जमातें इमाम मेदी सलाम की फौज के अंदर शामिल होंगी जैसा की डॉक्टर इसरार अहमद मरूम फरमाया करते थे सारे अरब मुल्क इस्लाम को इसराइल को तस्लीम कर ले पाकिस्तान कभी न करे इसलिए पाकिस्तान इसराइल के तोड़ के तौर पर वजूद में आया अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से एक साल कबल वजूद बख्शा है हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे असल में तो जंग हमें करनी है मुकाबला तो हमें करना है वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी हजरत महंगी की मदद करेंगी ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है लिहाजा किसी सूरत अरब कर मजबूर हो चुके हैं बेबस हो चुके हैं उनका मुआवला जो भी है वो जाने लेकिन चाहे वो तस्लीम कर ले इस्राइल को किसी सूरत में पाकिस्तान ना करे। नई नौजवान हमेशा इसराइली मीडिया ये दिखाता रहा कि कैसे फलस्ती इन पर ज़ुल्म और ज्यादती और नासाफी करते हैं और आज से हजारों साल पहले ये लोग फलस्तीन के अंदर आबाद थे ये इनका घर था मगर इस पर फलस्तियों ने कब्जा कर रखा था जो कि इन्होंने तो सिर्फ वापिस लिया है और इसी बात पर अलामा इकबाल ने क्या खूब जवाब दिया था कि अगर इसराइल का फलस्तीन पर हक है कि यह हजारों साल पहले इनका घर था तो आज स्पेन भी मुसलमानों को वापस मिलना चाहिए जिस पर 500 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की अपनी और दुनिया भर की नौजवान नस्ल का ब्रेन वॉश करने के लिए इन्होंने आज तक मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया मगर नेटफ्लिक्स की सिर्फ एक फिल्म ने इनके सारे के सारे प्रोपिगेंडा को खोलकर दुनिया के सामने रख दिया जो कि आजकल यूनिवर्सिटीज और किताबों की बजाय ड्रामों फिल्म और मीडिया से तारीख को सीखती है इसराइल ने इस फिल्म पर नेटफ्लिक्स को कई बार संगीत नतज की धमकियां भी दी मगर उसके बावजूद नेटफ्लिक्स ने इसको रिलीज कर दिया अब आप ये ना समझें कि नेटफ्लिक्स की अचानक से मुसलमानों के लिए कोई मोहब्बत जा गई है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का लालच है कि ये फिल्म कंट्रोवर्शियल होकर दुनिया भर के अंदर इतना मशहूर होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और ये फिल्म क्योंकि सिर्फ नेटफ्लिक्स पर दस्तियाब है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेटफ्लिक्स को ज्वाइन करके इस फिल्म को देखेंगे और ज्यादा व्यूअरशिप का मतलब है ज़्यादा पैसा सो ये सिर्फ प्रॉफिट की गेम है इसराइल ने इससे पहले फर्जुला सल हशूर नाम के किरानियन फिल्म डायरेक्टर को सिर्फ इसलिए यूसुफ पैगंबर सीरीज के बाद एक नई फिल्म की कई तो सालों से जारी था मगर बार बार इस फिल्म के डायरेक्टर को बदला गया और आखिरकार एयरपोर्ट पर इनके सामान के अंदर जहर को इजेक्ट करके कैंसर को इनके जिसम में उतार दिया गया ये इन लोगों का पुराना तरीका वारदात है लेकिन सच कभी छुपता नहीं है اور ہر طرح سے سچ پر پردہ ڈالنے کے باوجود بھی یہ ظالم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے کیونکہ اسے یہ ملک اور زمین تو مل گئی لیکن قیامت تک سکون نہیں ملے گا اور یہ ایسے ہی دنیا کے سامنے بے عزت اور ذلیل ہوگا انشاءاللہ سو گائز یہ سی گیدیہ کی ویڈیو جے وچ اپ دیکھے گا کہ جیڑی ایک فلم آ رہی ہے فرحہ او دے وچ کس طرح اسرائیل دا اصلی چہرہ تے فلسطین جو پレスٹین کہنے ہیں اپ انہاں نو پراپر دکھایا گیا کہ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਫਿਲਮ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੂਗਾ ਐਂਡ ਯੈਸ ਆਫਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ Netflix ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਆਦਾ TRP ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ्युअर ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਐ ਜੋ ਉਹ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਐ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਚੇ ਐ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ 1984 ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਆਈ ਐ Netflix ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਜੋਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 1984 ਦਾ ਦਰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਦਰبار صاحب ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Netflix ਇੱਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ business ਹੋਵੇ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਉਥ ਟੂ ਮਾਉਥ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਟੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 20 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹੀ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 19 ਜਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ 20ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ 19ਵੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ 19ਵੇਂ ਨੇ 18ਵੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ 18ਵੇਂ ਨੇ 17ਵੇਂ ਨੂੰ 17ਵੇਂ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ ਨਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਪੂਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਚਾ ਕਰਤਾ ਲੋਚਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਰਹਿਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਜੋ ਪਲੇਸਟਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜੀਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ परे हुए इस फिल्म च ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਪਰ ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੋਲੇਜ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਇਹਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਇਹਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ 뮤직 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਲੀਟਿਡ 2.0 ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਮਿਲਦੇ ਆਗੇ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ